हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 29th पार्ट में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं, रॉबी की हेल्थ चार्जर के पीछे पड़ जाता है सिल्वर सर्फर। वो उन पे हमला करता है तो उसकी हेल्थ चार्जर क्रैश हो जाती है और वहाँ पर शियार के कैदी उनको घेर लेते हैं। तभी ब्लैक विडो अपना नया सूट, जिसको कहते हैं वार विडो, वो पहनकर आती है। वो कहती है तुम लोगों को क्या चाहिए। उनमें से एक कहता है इसका सिर उड़ा दो। वो कहती है अच्छा, मुझे पता ही होना चाहिए था। और तभी वो उस पे हमला कर देती है। तभी उनमें से एक चट्टान को उठा लेता है और कहता है हम मोस्ट वांटेड हैं और हम इतने वर्ल्ड्स को जला चुके हैं जितने तुमने सुने भी नहीं होंगे। हमें 5000 उम्र कैद हो चुकी है। ब्लैक विडो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है बताने के लिए शुक्रिया, अभी मुझे पता चल गया है। और वो अपने एक हाथ से उस चट्टान को उठा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कितनी हड्डियां तोड़नी है, आई थिंक सारी ही तोड़नी है। और वो उस चट्टान को उस पे फेंक देती है। अभी पीछे से एक और उस पे हमला करता है। वो कहता है सितारा गार्ड ने मिल के मुझे कैद में लिया था, ये हो ही नहीं सकता कि अकेली तुम मुझसे लड़ लो। ब्लैक विडो कहती है 17, ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। वो कहता है मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। वो कहती है अगर तुम स्कूल गए होते तो तुम्हें इसकी इम्पोर्टेंट पता होती कि हमारे घुटने कितने इम्पोर्टेंट हैं। और वो उसके घुटने पे हमला करती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ एक डील करती हूँ, मैं तुम्हारा दूसरा घुटना नहीं तोड़ूंगी अगर तुम मुझे ये बता दो कि स्टार ब्रांड कहाँ मिलेगा। तो वो कहता है ये तो मैं तुम्हें फ्री में बता देता ताकि स्पेस में तुम्हारे जलने की बदबू आए। तो स्टार ब्रांड तुम्हें मिलेगा, इससे पहले कि वो बताता कोई उसको जला देता है। और ये होता है सिल्वर सर्फर। वो कहता है तुम अवेंजर्स को स्टार ब्रांड नहीं मिलेगा। ब्लैक विडो कहती है टोनी आई होप तुमने इस सूट में कुछ तगड़ा डाला होगा। सिल्वर सर्फर कहता है क्योंकि तुम में वो करने की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हें करना पड़ेगा। ब्लैक विडो कहती है मुझे तो लगा था तुम एक अच्छे गाय हो। वो कहता है तुम स्पेस में ये सब जनरलाइज नहीं कर सकती। वो कहती है मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम इतने चू नहीं थे। तो वो कहता है मैं गैलेक्टस का ऑर्डर रह चुका हूँ, तुम ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती जो मैंने नहीं सुना हो, और वो भी पता नहीं कितने लैंग्वेज में, कुछ तो ऐसी जो मर चुकी हैं या जिनको मैंने मरते हुए देखा। ब्लैक विडो उस पे हमला करती है और कहती है देखो मैंने भी वॉर मशीन पहनी हुई है और इसे बनाया है टोनी स्टार्क ने, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों में ईगो काफी बड़ी हुई है। देखो हम ऑपोजिट साइड नहीं है और मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ। बट तभी सिल्वर सर्फर उस पे हमला करता है। वो कहता है तुम्हारी मानवता ने ही तुम्हें धोखा दे दिया विडो, तुम इसको अपने मास्क के पीछे नहीं छुपा सकती, खासकर मेरे जैसे से तो नहीं। तुम्हारी वजह से पूरे वर्ल्ड में आग लग सकती है और वो भी एक मनुष्य को बचाने के लिए। ब्लैक विडो कहती है क्या मनुष्य, तुम्हारे कहने का मतलब कि स्टार ब्रांड धरती से है। तो वो कहता है जल्दी ही ये कुछ मैटर नहीं करेगा। ब्लेड ये सब फाइट देख रहा होता है। वो कहता है ब्लैक विडो को हेल्प चाहिए होगी। वो कहता है गोस्ट राइडर तुम शायद उसको हर्ट कर सकते हो। वो कहता है ओहो, इसको इसकी गाड़ी की तारों ने ही जकड़ा हुआ है, शायद यही इसको हील करने में मदद करती है, तो मुझे लगता है मैं ही बचा हूँ। बट अगर मैं वहां मारा गया ना, मैं इन अवेंजर्स को भूत बनकर सताऊंगा। बॉय थिंग मेरी तलवार कहाँ है। तभी बॉय थिंग उस पे चिपकना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर ब्लैक विडो का बुरा हाल हो चुका है। सिल्वर सर्फर कहता है देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं अवेंजर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ जैसे तुम लोगों की मदद करते हो, पर स्टार ब्रांड की किस्मत लिखी गई है और ये सभी के लिए अच्छा होगा, हम उसके पुनर्जन्म को नहीं होने दे सकते और तुम्हारी खुद की भलाई के लिए भी तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी उसके पीछे आता है ब्लेड जो बिल्कुल बदल चुका है और वो उसके अंदर तलवार घुसा देता है। सिल्वर सर्फर कहता है ये क्या हुआ। ब्लेड कहता है जो तुम्हें महसूस हुआ ना उसको डर कहते हैं, और जिसको भी डर होता है चाहे वो तुम्हारे जैसा इंटेंजिबल क्यों ना हो, वो मेरे इस दोस्त के टच से जलता है। ब्लैक विडो कहती है ब्लेड ये तुमने क्या पहना है। वो कहता है ये बॉय थिंग का आइडिया था। तो वो कहती है तुम जल क्यों नहीं रहे। वो कहता है मैं जल रहा हूँ बट उस गाड़ी में मरने से तो अच्छा है, तो तुम मेरे साथ हो। वो उसको भी एक तलवार बना देता है। वो कहती है ये तो मेरे आर्मर को मेल्ट कर रही है। तो ब्लेड कहता है तुम ये सोचो कि ये उसका क्या हाल करेगी। तभी ब्लैक विडो भी उसको वही कहती है कि हम तुम्हें खत्म नहीं करना चाहते, क्यों ना हम अच्छे लोगों की तरह बात कर लें। तो सिल्वर सर्फर कहता है तुम्हारी बातें हमें तबाही की ओर ले जाएंगी और मैं वर्ल्ड को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। और वो अपना बोर्ड यूज करता है और वो दोनों अपनी तलवारें। ब्लैक विडो कहती है हमें ये बताओ स्टार ब्रांड है कहाँ पे, तो हम इसको यहीं खत्म करेंगे। तभी वो लोग कुछ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। सिल्वर सर्फर कहता है उसको ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस उसके निशान को फॉलो करना है।
और यहाँ पर फाइट चल रही है फायर लॉर्ड और कैप्टन मार्वल के बीच में। टेरेक्स और शी हल्क भी आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है स्टार ब्रांड को होना ही नहीं चाहिए था, इससे हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, इससे ना तो धरती बचती और ना ही ब्लडी मनुष्यता। हाँ बट ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हम इस मिस्टेक को सही कर सकते हैं, क्या कहती हो हल्क? तभी टेरेक्स पे कैप्टन अमेरिका हमला करते हैं और अपनी शील्ड फेंकते हैं। वो कहते हैं इसको हमारी शिप तबाह मत करने देना वरना हम हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे। टेरेक्स कैप्टन पे हमला कर देता है और कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ, तुम्हारी शिप को तबाह करने के लिए नहीं। वो काम तो एस्ट्रॉइड की स्टॉर्म ही कर देगी जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो हल्क कहती है तुम्हारी स्टॉर्म हमारे वाले के सामने कुछ नहीं होगी, हमारी वाली तो इससे भी बड़ी है। और वो बात कर रही है थॉर की। वो अपने हथौड़े से उनको तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर शी हल्क सोच रही है कि यहाँ पर सब शक्तिशाली लोग उस स्टार ब्रांड के पीछे पड़े हुए हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ पे आया कैसे, हमें तो बस ये पता है कि ये अर्थ का एक डिफेंस सिस्टम था जैसे कि मैं हूँ। और वो टेरेक्स पे हमला करती है। वो कहती है नए स्टार ब्रांड को हमारी मदद की जरूरत है, मुझे बस इतना पता है वो जो भी होगा अवेंजर्स उसकी मदद करेंगे उसकी पावर्स को कंट्रोल करने में, यही तो हमारा काम है, या मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी हम देखते हैं कि थॉर भी नीचे गिर जाता है। कैप्टन कहते हैं थॉर तुम्हें वहाँ जाना होगा, एक तुम ही हो जो हमें सेव कर सकते हो। वो कहता है वहाँ पर स्टोन्स बहुत ज्यादा हैं। कैप्टन कहते हैं तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रूड हो ना, और ये टाइम है खाने का। थॉर हंसता है और कहता है हाँ खाना। वो अपना हथौड़ा छोड़ देता है। वो कहता है भूख लगी है मुझे, और वो उनको खाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर फायर लॉर्ड और कैप्टन मार्वल लड़ रहे हैं। वो कहता है कोई शक की बात नहीं है कि सिल्वर सर्फर क्यों नहीं चाहता था कि स्टार ब्रांड तुम्हारे पास आए, तुम तो अपने थॉर को भी नहीं संभाल सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ एवेंजर्स हमारे रास्ते से हट जाओ नहीं तो बचोगे नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा इलाका नहीं है और तुम मेरी आग को सहन नहीं कर पाओगी। तभी कैप्टन मार्वल उसको मुक्का जड़ देती हैं और कहती हैं तुम मुझे हंसने के लिए भी क्यों नहीं कहते। वो भी कैप्टन मार्वल पे हमला करते हुए कहता है और तुम्हें कितने वेपन्स चाहिए, क्या तुम्हारे प्लेनेट पर ऑलरेडी इतने नहीं है? कैप्टन मार्वल कहती हैं हम यहाँ पर युद्ध छेड़ने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ की जेल में दंगों को रोकने के लिए आए थे क्योंकि हमें शियार ने ही बुलाया था। वो कहता है वो भी तो तुम्हारे जैसे लड़ते ही हैं बस। तो वो कहती है कह भी कौन रहा है जिसके हाथ में एक जलने वाली छड़ी है। वो कहता है हाँ मैं स्टार ब्रांड को खत्म करूंगा। तो वो कहती है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तभी वो लोग कुछ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। फायर लॉर्ड कहता है हम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए, स्टार ब्रांड अनलीश हो गया है। कैप्टन मार्वल कहती है कैप्टन अमेरिका तुम ये देख पा रहे हो? वो कहता है हाँ कैसे नहीं देख सकता, हमें शिप का कंट्रोल मिल चुका है और हम वहाँ पहुँच रहे हैं, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बताओ। वो कहती है जाओ मैं इसको संभाल लूंगी, और टेरेक्स का क्या हुआ? और वो कहते हैं उसको किसी ने संभाला हुआ है। तो हम देखते हैं थॉर उसके साथ लड़ रहा होता है। और यहाँ सीन पहुँच चुका है ग्लैडिएटर के पास जिसने सबको मैसेज भेजा था कि उसको स्टार ब्रांड मिल चुका है। वो कहता है स्टार ब्रांड मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वहीं के वहीं रुक जाओ, बट वो स्टार ब्रांड उस पे हमला करता है और कहता है मैं नहीं रुक सकता। तो ग्लैडिएटर कहता है तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा नहीं तो मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा पेन में हूँ और मैंने इसके लिए नहीं कहा था, ये खुद हुआ है, ये पावर मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई है, मैं तो बस एक ट्रांसपोर्ट शिप में था। तो ग्लैडियर कहता है तुम एक बंदी हो और तुम्हारे पास अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली वेपन है, मैं ये नहीं होने दे सकता। उसे जवाब मिलता है कि मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मैं पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं किसी भी प्लेनेट को नहीं चलाना चाहता था, बट जब मुझे पेन होता है तो कंट्रोल नहीं होता। भी हम देखते हैं ग्लैडिएटर की आंखों में, वो अपनी पावर का यूज करने वाला है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें मौत की सजा सुनानी होगी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और तुम्हारी अजन्मे बच्चे को भी। तो हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट स्टार ब्रांड तो एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है। वो कहती है नहीं पीछे हट जाओ, तुम मेरे पास मत आना नहीं तो मैं पूरी गैलेक्सी में आग लगा दूंगी, स्टार ब्रांड तुम सबको खत्म कर देगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।